हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक ट्राई इन टू गाइस। आज हम करने वाले कुछ इस टाइप के फोटो इन टू गाइस। इस वीडियो को जरा सभी स्किप मत करना क्योंकि गाइस इस वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। तो गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो गाइस चलिए बिना देर के जल्दी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। देन गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे और गाइस सिंपली इसको सबसे पहले रिसाइज कर लेंगे। गाइस रिसाइज करने से क्या होता है कि आपके फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ जाती है और आपका बैकग्राउंड या फ़ोटो फटेगा नहीं। तो गाइस आप जब भी बैकग्राउंड ऐड करते हो तो गाइस उसको रिसाइज कर लिया करो, फटेगा नहीं। तो गाइस हम सिंपली अपने ड्रॉ टूल में चलते हैं और गाइस यहाँ से हम लेयर्स पर जाएंगे। तो गाइस हम सिंपली लेयर्स पर चलते हैं, उसके बाद से गाइस एक एम्प्टी लेयर लेंगे और गाइस हम सिंपली ऐड फोटो पे जाएंगे और गाइस मैं आपको एक स्प्लैश की पीएनजी दूंगा। तो गाइस आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना है और गाइस इसको ऐड करने के बाद से आपने इसको एक बार टैप कर देना है, ठीक है गाइस। और गाइस उसके बाद से इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको गाइस रोटेट करके कुछ इस डायरेक्शन में आपको रख लेना है। तो गाइस देखिए मैं कैसे कर लेता हूँ और गाइस इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और आप ये अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये हमारा हो गया। तो गाइस सिंपली अभी इसको हम डन करेंगे और गाइस उसके बाद हम लेयर्स पे जाएंगे और गाइस इसका ब्लेंडिंग मोड है जो उसको हमको रखना है XOR, ये रख लेंगे। और गाइस सिंपली इस दोनों को हम मर्ज कर देंगे। तो यहाँ से हम थ्री डॉट्स पर जाते हैं और गाइस इसको हम मर्ज कर लेते हैं और गाइस सिंपली हम दोबारा एम्प्टी लेयर पर जाएंगे और एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे। और गाइस इसमें आपको अपने मॉडल को लेना है। तो गाइस सिंपली इसमें अपने बैकग्राउंड को, सॉरी फोटो को ऐड कर लेना है। तो गाइस सिंपली यहाँ पर अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारा मॉडल है कहाँ। ये रहा, मिल गया। तो गाइस हम सिंपली इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ से डन करेंगे। तो गाइस इसको ऐड करने के बाद से आपको फुल बैकग्राउंड का साइज कर देना है इसको। तो देखिए मैं कैसे बता कर रहा हूँ, इसको देखिए एकदम फुल साइज में कर देना है, ठीक है। और उसके बाद से एक बार इसको टैप कर देना है। फिर गाइस आपको लेयर्स पे जाना है और मॉडल वाली लेयर को नीचे कर देना है। तो देखिए गाइस हमारी फ़ोटो काफ़ी क्रिएटिव लग रही है, मतलब इतना ऑसम लग रही है ना, देखिए आप यहाँ पर कितनी अच्छी लग रही है। तो गाइज अब क्या करेंगे, हम अपने फ़ोटो को अब यहाँ से सेव कर लेंगे और गाइज हम चलेंगे अपने लाइट रूम में। तो सिंपली हम इसको सेव कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमने लाइट रूम में फ़ोटो को ऐड कर लिया है। देन गाइज सिंपली हम लाइट्स पे जाएंगे और गाइज इसमें हम कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, लाइक 15%। और यहाँ पे गाइज हम शैडो को इंक्रीज माइनस कर देंगे थोड़ा सा, माइनस के 10%। और गाइज यहाँ पर हम ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर देंगे, -10। और वाइटिस थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है आपने। उसके बाद से गाइज आपको कलर्स पे जाना है और इसमें गाइज टेम्परेचर को आपको माइनस करना है, बस -2 है या 13 रख सकते हो। और वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, इसको भी 14 रख लेते हैं। और सिंपली हम नेक्स्ट वाले टूल पर चलेंगे, यहाँ पर क्लियरिटी को हम इंक्रीज करेंगे 20%। और गाइज डीहेज को हम -10% रखेंगे और विग्नेट को हम रखेंगे -15%। और नीचे जाएंगे गाइज आपको ग्रेन अमाउंट पे जाना है और यहाँ पे इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है 10-12%। और गाइज उसके बाद से जाना है नेक्स्ट टूल में डिटेल्स में, यहाँ पे आपको शार्पनिंग और नॉइस रिडक्शन लाइक 15-17 के आसपास इंक्रीज कर देनी है दोनों को। तो देखिए हमारे दोनों इंक्रीज हो गए। तो गाइज देखिए हमारी फ़ोटो काफ़ी ऑसम लग रही है, मैं अभी आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये देखिए आप, देखिए मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना।